तुम लोगों ने तो कभी कोशिश भी ना करी होगी इस सुपरमैन को यहाँ से निकालने का। तुम लोग खुद सोचो यार, कितने सालों से यह बंद पड़ा हुआ है सुपरमैन, और इसको कोई भी निकालने की अगर कोशिश भी करता है ना, तो सिर्फ एक चीज़ आ जाती है, कुछ ये अजीब और गरीब सा ब्लैक ब्लैक स्क्रीन। लेकिन मेरे को ये चाहिए किसी भी कीमत पर। ओए सीट यार, इसकी बैटरी लो होने वाली है सूट की, अब मेरे को कोई बचाएगा? कोई बचाओ यार। ओए नहीं, मैं तो गया काम से, मैंने कहा था मेरे सूट की बैटरी कम हो रही है, पता नहीं यार ये ऊपर आके अचानक से सूट की बैटरी कम कैसे होगी। मैंने नीचे देखी थी तो बिल्कुल ठीक थी। मेरे सूट बेकार हो गया क्या? ये हेलीकॉप्टर हवा में कैसे उड़ रहा है? ये तो नीचे ही आ गया। ये बेकार है यार, मेरा सूट बड़ा डेंजरस है, मैं इसको रख देता हूँ अभी। मैं कहती अगर वो जोरों की गिर जाता तो बहुत भयंकर लग जाती। वो तो अच्छा, वो मैं ज़्यादा ऊपर नहीं गया था, अगर ज़्यादा ऊपर चला जाता फिर मेरे सूट की बैटरी ख़त्म हो जाती, मैं तो मर ही जाता यार। ये डेंजरस चीज़ है यार, मेरे को कुछ तो ऐसी चीज़ चाहिए जो कि जिसकी बैटरी कभी ख़त्म ना हो, जैसे वो सुपरमैन। हाँ सुपरमैन का सूट ले लो, वो तो लेजर लाइट भी फेंक सकता है और कितना भी ऊंचा उड़ सकता है, उसकी बैटरी की कोई प्रॉब्लम ही ना रहती है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सुपरमैन के पास डायरेक्टली चलते हैं, सुपरमैन के घर चलते हैं और उससे कहते हैं कि भाई मेरे को है ना एक मस्त मोड दे। मतलब तुम लोग तो जानते हो हमारे पास कितनी सारी न्यू अपडेट है, कितने सारे मोड हैं, सुपरमैन से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं यार। अबे यार एक मिनट, मैं पानी में ना गिरना चाहता बिल्कुल भी ना, और आधे पानी में तो बिल्कुल भी ना गिरना चाहता, जल्दी से मेरे को ज़मीन के पास आना चाहिए। मैं सुपरमैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे को यार अपनी ड्रेस दे दे मेरे मोड पर, पता नहीं वो देगा भी कि नहीं। पानी बड़ा ठंडा है, इससे पहले मेरी कुल्फी बन जाए यहाँ से भाग लेता हूँ मैं। सुपरमैन के घर चलते हैं। रुको यार, ऐसे अगर मैं सुपरमैन के घर गया ना तो मेरे को 7 पीढ़ी बीत जाएंगी। मैं एक काम करता हूँ, अपने मोड की मदद से चलता हूँ, यहाँ पर टेलीपोर्ट होने की पावर है यहाँ से। और ये सुपरमैन का घर किधर है यार? यहीं पर कहीं पर होना चाहिए सुपरमैन का घर, यहाँ पर। ये देखो मिल गया, ये वाइट हाउस कती, चलो यहाँ पर आ गए। सुपरमैन का घर इधर ही है ना, लेकिन एक मिनट, गेट किधर से है? सुपरमैन का घर यार कौन सा है? एक मिनट, यही तो है सुपरमैन का घर, अंदर चलते हैं सुपरमैन के घर के अंदर। ओए सुपरमैन घर के अंदर है क्या? वैसे घर के अंदर ही होना चाहिए, वैसे भी वो पूरे पूरे दिन घर के अंदर ही रहता है सुपरमैन। अबे मैं थक गया यार कति यहाँ तक आने में, ये सुपरमैन किधर निकल गया? ओ सुपरमैन मेरे को एक न्यू अपडेट चाहिए यार, तू तो जानता है मेरे मोड पर तेरी दी हुई न्यू अपडेट है, वो भी एक सुपरमैन वाली ड्रेस का, लेकिन वो ड्रेस कभी भी अनलॉक नहीं होती, उसको अनलॉक करना है, वो अनलॉक कैसे होगी? रो पीरो, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। क्या जोम्बीज? ओ यार तुम लोगों को मालूम है सुपरमैन क्या कह रहा है? सुपरमैन कह रहा है कि वो जो जोम्बीज है ना, उन जोम्बीजों के पास ही एक ऐसी चाबी है जिससे ही सुपरमैन की ड्रेस अनलॉक हो सकती है। मतलब उन जोम्बीजों के पास एक मैजिकल की है, एक सुपरमैन की है, जिससे सुपरमैन में जैसी लगाऊंगे उसकी ड्रेस अनलॉक हो जाएगी। मतलब मेरे को अपने मोड वाले सिस्टम में वो की लगानी पड़ेगी, तभी ये मोड अनलॉक होगा। तो चलो हम लोगों को सबसे पहले जोम्बीजों के पास जाना पड़ेगा, मेरे पास उड़ने के लिए मेरी ड्रेस तो है नहीं है, तो मेरे को हेलीकॉप्टर से ही काम चलाना पड़ेगा अभी तो। जो भी हो, पर ये उड़ने में इतना समय क्यों लेता है? अब जल्दी से चलते हैं अपन लोग जोम्बीजों के पास, इससे पहले जोम्बीज वहाँ से भाग जाएं, क्योंकि तुम लोग जानती हो अगर एक बार जोम्बीज मेरे हाथों से निकल गए फिर उनको पकड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता है वो रहते कहाँ, उनकी कोई एग्जैक्टली जगह है ही नहीं, वो एक जगह कहीं भी टिक के रहते ही नहीं, वो अलग अलग जगह पर घूमते रहते हैं, कभी माफिया सिटी वॉर, कभी बाइस टाउन, कभी सुपरमैन के गेम में, कभी कहीं 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 कहीं, और इंडियन बाइक 3D में भी अब बहुत भयंकर भयंकर जोम्बीज आ चुके हैं। तो यार मैं जोम्बीजों का रिस्क नहीं ले सकता, जल्दी से जल्दी जोम्बीजों के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहाँ पर रखी है मेरी की सुपरमैन की ड्रेस को अनलॉक करने की। वाह घटिया लीचड़ जोम्बीज, ये क्या हुआ? जोम्बीज सारे के सारे ऊपर ही निकल लिए क्या? उठो यार, मैं तो मजाक कर रहा था यार, मारना थोड़ी ना। और भी जोम्बीज आ गए, ओ जोम्बीज अब मैं बाकी में मार दूंगा, तुम लोग तैयार करते इकट्ठे ही आ गए, एक एक करके आते तो ठीक भी था। मैं देखो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी करने नहीं आया, वैसे भी मैंने लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया, मेरे को सुपरमैन की मोड का जो की है वो दे दो, मैं उसको अनलॉक करना चाहता हूँ यार। क्या बोल रहे हैं पागल जोम्बी जो? अबे दे रहे हो तो दे दो, बंदा तुम्हारी तपकी पुंगी बजा दूंगा। यारों की तो इन्हीं के पास है, मेरे को किसी भी हाल में लेनी होगी वो की।
ठीक है रो पिरो, रुक जाओ। अच्छा रुक गया, अब तो रो ले और जा यहाँ से। अच्छा इन लोगों ने तो वाकई में मेरे को की दे दी, अब मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। और है ना कति, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ ये न्यू अपडेट वाकई में वर्क करती भी है कि नहीं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आराम से खड़े होके बताता हूँ, क्योंकि ये झूला है, यहाँ पर कोई मेरे को परेशान भी ना करेगा। ओए शिट, नहीं अब यार मेरे को उछलना नहीं था यार, मैं गिर गया नीचे। कोई बात ना, मैं नीचे ही तुम लोगों को दिखा देता हूँ मेरी सुपरमैन की न्यू अपडेट अब काम कर भी रही है कि नहीं, मेरी मोड काम कर रहा है कि नहीं। ये देखो ऊपर ही है कतई, मैंने देखो इसको पहन लिया कतई, ये देखो मैं कतई बदल गया कि ना बदल गया, ये मोड वाकई में काम कर रहा है यार कतई, हकीकत में ये मोड काम कर रहा है कतई, मजे आ गए ये मोड काम कर रहा है। और तुम लोग तो जानते ही हो यार सुपरमैन की जो ड्रेस कितनी पावरफुल है कतई, ये लेजर लाइट भी फेंकती है अपनी आँखों तय, मतलब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसे कैसे दिखाऊँ, पर एक मिनट ये देखो ये मेरे गोगल आ गए, अब देखो कतई लेजर लाइट फेंक रही है कि नहीं। रुको मैं किसी आदमी को जला कर दिखाऊँ, मतलब किसी पुलिस वाले पे ये लेजर लाइट का प्रयोग करके दिखाऊँ, पुलिस वाले तो आ गए। ये देखो अबे रुक, आ गया कतई, इसकी पुंगी तो बजानी पड़ेगी। रुको यार पहले नंबर में इसको ही देख लूँ कतई, इसको छोड़ूंगा ना बिल्कुल ना छोड़ूंगा। अबे तेरी भैंस के तू इधर भी है कतई, रुक तुझे भी ना छोड़ूंगा, किसी को ना छोड़ूंगा। पर यार मैं तो कतई थक गया इन लोगों से लड़ते लड़ते, वाकई में बहुत पावरफुल लोग हैं यार ये तो पुलिस वाले कतई, इनके पास जो गन है ना वो बहुत ही अच्छी अच्छी किस्म की हैं, पर मेरा सूट है ना एक भी गन की बुलेट को ऊपर नहीं आने दे रहा मेरे। अब देखो मैं क्या स्टंट करता हूँ, एक मस्त स्टंट, एक दो तीन जैसी जो ट्रेन आएगी मैं उड़ जाऊँगा। अबे यार वाकई में ये ट्रेन तो मेरे से भी ज़्यादा फास्ट है यार, मैं तो कहते बिल्कुल पागल ही बन रहा हूँ इन लोगों से कहते, ये हम लोग मेरे पीछे ही पड़ गए बड़ी भयंकर तरीके से। कोई बात ना, हम लोग एक काम करते हैं ट्रेन में बैठते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं, वैसे भी ये पुलिस वाले मेरे को ट्रेन में थोड़ी ना पकड़ पाएंगे। तो चलो यार जल्दी से ट्रेन में बैठ गए यहाँ से बाट। ओए रुक जा, अबे तेरी भैंस क्या, मैं तो नीचे गिर गया फिर से। मेरे साथ ये हो क्या रहा है कतई, मेरी तो पुंगी बजाए जा रहे हैं सारे के सारे लोग, अब इससे पहले ये लोग मेरी ज्यादा पुंगी बजा रहे हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ इन लोगों के साथ कतई, एक एक की बोल के बंद कर दूंगा कतई, सबकी पुंगी बजा दूंगा, मैं खुद पुंगी बजा दूंगा सारे के सारे लोगों की। पर है ना यहाँ पर रुकना ज़्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि ये ना पूरा का पूरा ईविल हल्का का इलाका आ जाता है, क्योंकि ये कसिनो के आसपास का इलाका है और तुम लोग जानते हो कसिनो के आसपास का इलाका पूरा का पूरा ईविल हल्का का है यार, पूरा कसिनो ही ईविल हल्का का है। खैर मैं तो यहाँ से बच कर निकल आया, और मेन बात क्या है कि मेरे को सुपरमैन की ड्रेस भी मिल गई, और कति अब मेरी सूट की बैटरी भी कभी ख़त्म ना होगी, ये तो और भी मस्त बात है। तुम लोग इन वीडियो को देखो कतई, मस्त मस्त वीडियो ना तो देखो यार। गुड यार, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड यार, और इन वीडियो को शेयर जरूर करो। तो बाय बाय।